एक ऐतिहासिक जगह है पूरे राजस्थान में, सबसे पहले जयपुर यहीं था और खोगंग नाम से जाना जाता था। पहाड़ में आपको जाओगे इधर तो सात से कुल मिलेंगे सात जगह और जलाशय का पहाड़ है पूरा। इधर चले जाओगे झलाना लेपर ऊपर सफारी उफारी इतना घना जंगल आपको जंगली जानवर भी आते हैं तो क्या हुआ, जानवर साधु से तो जंगल होते हैं, शहर बाजार वाले साधु थोड़ी होते हैं, वो तो मंदिर में घंटा बजाने वाले होते हैं। हम भी यहाँ आए थे इसीलिए कि आश्रम की परंपरा बनी रहेगी, यहाँ हमारे बच्चे समझ सके गीता क्या है, रामायण क्या, मंदिर मूर्तियाँ क्या सिखा देगी बच्चों को। महाराज जी, हम लोग गृहस्थ जीवन जीते हुए भी किस प्रकार से भगवान की आराधना करें जिससे हमें मोक्ष का मार्ग मिल सके और हमारा गृहस्थ जीवन भी चल सके। आपकी जिज्ञासा है कि हम गृहस्थी जीवन में रहते हुए भी भगवान की पथ में या भगवान की भक्ति कैसे करें जो हमें भी मुक्ति मिल सके, परिवार का भी परवरिश हो सके। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सभी विरक्ति में तो हो भी नहीं सकते हैं, आपका प्रश्न ही है, पूरे समाज का प्रश्न है। तो वास्तव में देखिए, चार सिद्धांत मुख्य रूप से रखना चाहिए गृहस्थी जीवन में। पहला है प्रयास करें ईमानदारी का, दूसरा है परिश्रम पर भरोसा रखो, हराम को मत खाने की कोशिश करो, किसी के साथ में कोई ऐसा न करें गलत। तीसरा है परिश्रम में से कुछ अंश दान भी करते रहें संतों के शरण में। चौथा अंतिम है कि 24 घंटे में एक घंटा भगवान के लिए समय दो, आधा घंटे शाम आधा घंटे सुबह, पर डे आधा घंटे देना है समय, उसमें शांति से बैठ करके एकांत में बैठें या परिवार लेकर के भी बैठें तो थोड़ा एक भगवान के प्रति आस्था रख के नाम जपते हुए करें। ओम या राम, एक ही नाम को चार विधि से जपा जाता है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। यथार्थ गीता में 15 अध्याय के 14वें श्लोक में देखेंगे कि भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा समझाए हैं कि अहम वैश्वान अरो भूत्वा प्राणी नाम देह आश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम अन्नम ब्रह्मेति बेजानात। अन्न को ही ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म को ही अन्न कहा गया है। एक नाम को श्रद्धा से जपें, ओम को बच्चे जपें, बच्चे भी रहें, माताएँ रहें, बच्चियाँ रहें, कोई बात नहीं है, उसको बैखरी जपें बोल बोल के ओम ओम, तो बच्चे जपेंगे। अगर आप से आने हैं आपको जपना, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, आपको अकेले जपना है तो अकेले बैठो, थोड़ा प्रार्थना करके बैठो कि भगवान हमारा अपना शरीर भी नहीं है न बच्चों का है, हमें एक निमित्त बना के भेजे हैं, जब चाहिए बच्चा हमको नहीं रोक पाएगा ना हम बच्चे को रोक पाएंगे बहुत से, और हम मैं आधा घंटे में समय दे रहा हूँ, मेरा मन तो नहीं लगेगा लेकिन मैं अवश्य बैठ रहा हूँ। तो बैठना भी आपकी एक तपस्या है, भजन है, साधना है। बैठ रहे तो मालिक देख रहा है, अंतर्यामी है, हृदय में बैठ के देख रहा है कि आप इस किस लिए बैठे, यही है तपस्या। पहले मन तो लगेगा नहीं, आप उठ के चल दोगे, लेकिन बैठो, अवश्य बैठो आधा घंटा, ये नियम का पालन करो। आधा घंटे बैठ के करना क्या है, श्रद्धा से नाम जपो ओम ओम ओम, फिर उसी नाम को मध्यमा से कंठ से जपो, आप जपो बगल वाला ना सुन सके, उसको मध्यमा कहते हैं। पहला है बैखरी, दूसरा है मध्यमा, तीसरा है पश्यंती, पश्य माने देखना। आप शांत मन से बैठ जाओ जैसे बैठ सको, अब मन को श्वास में लगा दो, श्वास आई गई उसको बोलते हैं पश्यंती। जैसे आप नोट गिनते हो, एक भी निगाह खाली ना हो कि एक नोट फालतू चला जाए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया फिर से गिनोगे, तो ऐसे ही एक एक श्वास को देखो, इसको तीसरी अवस्था पश्यंती कहते हैं। पश्य माने देखना, पश्यंती माने देखते रहो। अब श्वास को देखते रहो, मन से ड्यूटी लगा दो, श्वास को देखे, धीरे धीरे देखते देखते मन शांत हो जाए, चौथी अवस्था अपने आप आएगी जिसको अजपा कहते हैं, उसी को परा कहते हैं। परा माने प्रकृति से परे, परमात्मा है, उसका दर्शन कराने की योग्यता आ जाएगी, वो परा है। तो 24 घंटे में एक घंटा सुबह में जब भी नींद खुले, 5 बजे 4 बजे 3 बजे जब भी आप बैठ करके आप भजन करो, मिनिमम आधा घंटे, तो 30 दिन में 30 घंटा हो गया। 30 घंटा आपने अपने आत्म कल्याण के लिए, भगवान के लिए, यही है भक्ति। जैसे आप बैठोगे तो आपकी प्रकृति जो है अनुकूल रहेगी। सुबह में जैसे आप लोग यात्रा करते हो कहते हो रोड खाली रहेगा, तो ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा समय दो। नहाने के बाद भजन नहीं होता है, नहाने के बाद जल्दी जल्दी अपना लक्ष्य दिखेगा, यार ड्यूटी बजाना है, उनसे मिलना है, उनसे मिलना है। सुबह में उठ जाओ, थोड़ा आलस्य दूर करके घर में बैठ के भजन करोगे तो परिवार भी शांत प्रिय रहेगा, वाइब्रेशन प्रिय रहेगा, शांत प्रिय रहेगा, कोई अतिथि आएगा उसको भी शांति मिलेगी आपको घर में। तो इसलिए आधा घंटे या एक घंटे सुबह में बैठ के शांति से भजन करो। और जो संतों के शरण में एक खुराक होता है, जैसे आप घर से आए कहते हैं संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ के समान होता है। क्योंकि गृहस्थी जीवन में टाइम कहाँ मिलता है, बीबी बच्चों को लाओ संडे के यहाँ, कुछ सत्संग प्रवचन सुनो, दो रोटी खाओ खिलाओ, आप भी संत भी दो रोटी खा लेगा, टूटी फूटी सेवा कर लो, ये आपको धीरे धीरे आत्मिक पूज्य मिलेगा, दैवी संपदा मिलेगी, आपकी नौकरी भगवान के यहाँ लगेगी। इसीलिए मीरा ने कहा था, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भजन सुने हैं ना, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, सब जग यही खोआयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं, ये भगवान वाली पूजी, संत की सेवा वाली पूजी, खर्चे नहीं चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। सत्य की नाव, ये सत्य का रास्ता है, सत्य माने आत्मा परमात्मा भगवान सनातन है, सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तरी जायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरषि जश गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। इसलिए भगवान के राम का नाम का रतन जो मिलता है वो संसार का धन मीरा ने नहीं कहा, संसार वाला धन तो राणा सांगा उनके ससुर थे, उनके पति थे भोजराज, उसको ठुकरा दी, मीरा बनी रे जोगणिया, हंसी उड़ावे चाहे सारी दुनिया, संतों के संगलागिरी तेरी बिगड़ी बनेगी, लोग कहे मीरा भई बांवरी, सासु कहे कुलनासी, सासु कहती थी मेरे बेटे की तकदीर फूट गई, कुल की नाश करने वाली आ गई, लेकिन आज मीरा का दुनिया जानती है, और सासु की मर्यादा पालन करने वाली को कोई नहीं जानता, जो हाड़ मांस की दृष्टि थी मर्यादा पर जिसकी निगाह थी, अब मीरा के गुरु जानते हैं रविदास, शरीर से चमार थे, चमड़े का काम करने वाले, तो इसीलिए जो अभी बोले थे दोहा कि भक्ति बीज पलटे ने, इसीलिए रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था, मंदोदरी, जब तक आपको वह लक्ष्य नहीं मिला, सदगुरु हैं, संत के शरण में जाओ अवश्य जाओ, टूटी फूटी सेवा करते करते आत्मिक पूजी दैवी संपदा यही आपको एक दिन शांति खोर ले, किताबी ज्ञान काम नहीं करता है। ऐसा दृष्टांत है कि एक विद्वान संत थे और उनके पास एक भोला भाला भक्त शिष्य पहुंच गया, और शरीर से यादव था, आहिर था, तो कुछ नहीं जानता था, तो महात्मा के यहाँ काफ़ी दिन सेवा किया, तो महात्मा सोचे इसको भी थोड़ा सा कुछ सिखा पढ़ा दें, तो नहीं तो भोला भाला है, कहेंगे कि इतना दिन से सेवा कर रहा है बेचारा कुछ सीखा नहीं, तो उसको सिखाए कि इतने बजे उठो इतने बजे, नहीं तो लापरवाही करता था, थोड़ा एक दो बार डांटे फटकारे तो उठने में भी लापरवाही करे, सेवा में भी लापरवाही करे, फिर एक दिन उसको सिखाए कई बार से कि देखो यहाँ हर प्रकार के भगत आते हैं, तो कोई सामान गिरा हुआ चीज़ नहीं उठाना चाहिए, इतने बजे उठो इतने बजे नहीं, तो वो प्रयास किया तो फिर भी लापरवाही करे, तो एक दिन एक लिस्ट बना दिए चार्ट, सुबह इतने बजे उठो, इतने बजे बैठ के भजन करो, इतने बजे उठ करके तुम पानी पी करके डोल डाल जाओ, जंगल जाओ, घूम के आओ, इतने बजे फिर झाड़ू बुहारी, सब लिख दिए, किसी के थोड़ा सा अनुशासन भी दिए कि किसी के गिरा हुआ चीज न उठाओ, किसी को नहीं, तो ये सभी चीज़ें बता दिया गया था। तो एक दिन क्या हुआ कि पहले चार पहिया ये सब गाड़ी घोड़ा नहीं थे, तो एक दिन जा रहे थे घोड़ी पर किताब उधार रख करके,
ले जा रहे थे कहीं सत्संग में, वो भी जा रहे थे पीछे पीछे, घोड़ी भी थी। तो संयोग से उस दिन घोड़ी में से, घोड़ी पर से कम्बल उनका गिर गया, घसकते घसकते गिर गया नीचे। तो उठाया नहीं, क्योंकि बोले थे गुरु महाराज की भाई गिरी हुई चीज़ नहीं उठानी चाहिए। तो घोड़ी में से, ठंडी का टाइम था, गिर गया था वो कम्बल उनका ओढ़ने के लिए, दूसरे के लिए ओढ़ते नहीं थे, सत्संग में जा रहे थे। तो वो उठाया नहीं, गए वहाँ प्रोग्राम उग्राम, रात को सोने लगे थे कि पूछे उसे कि हमारा वो कम्बल लिया कहाँ है ओढ़ने वाला। तो मुँह बना के कहे गुरु जी आप बोले थे गिरी हुई चीज़ नहीं उठाने, इतने 3 किलोमीटर दूर गिर गई थी वो कम्बल, तो हम उठाए नहीं। कह रही यार तू इतना भोला भाला है बताओ, अरे घोड़ी से गिरे तो उठा लेना चाहिए। कहे गुरु जी आप ये तो बोले नहीं थे घोड़ी से गिरे तो उठा लेना, आपने कहा था गिरी हुई चीज़ नहीं उठानी चाहिए, हम नहीं उठाए। कहे बताओ इतना भोला भाला, फिर बोले घोड़ी से गिरे तो उठा लेना चाहिए। फिर आई गई बात हो गई। फिर कुछ दिन के बाद जाने लगे कहीं प्रोग्राम, सत्संग उनका होता रहता था, अच्छी कीर्ति थी, यश था उनका, जैसे आज है ना लोग कथावाचक, हमें सच कथा चलती रहती। फिर जा रहे थे, संयोग से रास्ते में उस दिन घोड़ी से कुछ नहीं गिर रहा था, तो एक चद्दर लिया था बढ़िया सफ़ेद गुरुजी का तौलिया। तो रास्ते में घोड़ी लीद करने लगी, एक जगह की लीद तो तौलिया उठा के भर लिए, फिर दोबारा घोड़ी से गिरा लीद, फिर उठा के रख लिए, इसके गुरुजी बोले थे घोड़ी से गिरे तो उठा लिया करो, अपनी चीज़ है। वो भरते गया, वो रहा 3-4 किलोमीटर, 4-6 बार लीद किए, खा पी के चली थी, तो काफ़ी लीद हो गया थी इकट्ठा, वो मुड़े पर रख लिया बोझा, जैसे जैसे मिला हो कोई दक्षिणा उछीणा में चीज, और सिर में रख लिया। जब गुरुजी के आसन लग गया गद्दी उद्दी, तो सोचे अभी गुरुजी पूछेंगे कि, तो हम पहले ही वो चद्दर उदर बिछा के रखा गया, जहाँ गुलदस्ता उलदस्ता लिखा रखा गया था, वहीं ले आ करके घोड़ी का लीद रख दिए। कहे हाथ जोड़ के कहे गुरुजी आज घोड़ी से यही गिरा रहा। कह रे राम, अब उस समय तो डांटे नहीं, क्रोध नहीं किए कि बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मंच पे बैठे थे, तो उस समय कुछ नहीं बोले, अरे यार यार हटाओ हटाओ, ये बड़ा सीधा साधा है, भोला भाला है, उससे नहीं बोले, ले जा कर रख दिए। फिर अंदर जब कमरे में गए तो बहुत डांटे उसको, सरवा बेइज्जती करा दिया तू हमारे, बताओ सारे पूरे मंच भरा भरा, इतना हमारा प्रोग्राम कथा चौपट कर दिया तू, बताओ सरवा, डांटे फटकारे तो लिख दिए कुछ लिस्ट बना के, फिर लिख दिए कि ये लीद गिरे तो मत उठाओ, कम्बल गिरे तो उठा लो, किताब गिरे तो उठा लो, सब लिख दिए। पढ़ाई हुई ज्ञान नहीं काम, हृदय की उपज ज्ञान करती है, हृदय की उपज ही आपका भाव श्रद्धा ही वही आगे बढ़ाएगा। लिखा हुआ ज्ञान शास्त्र में लिखा, उसमें ये लिखा, सिबरी कहाँ गई थी पढ़ने, भगवान को रास्ता बदल के आना पड़ गया। नंदा नाई, कबीर, हमारे दादा गुरु, हमारे गुरु महाराज भी सारी पढ़ाई नहीं पढ़े, इन महापुरुषों को भीतर से भगवान पढ़ाते, जिसको अध्यात्म विद्या कहा गया है, ब्रह्म विद्या कहा गया है। आप लोगों की विद्या तो एक जीविकोपार्जन गध ही बताए ना, काघभुसुंडी ने कहा, ये संसार वाली पढ़ाई जो भी है वो विद्या फलम स्याद अस्तो निवृत्ति, प्रवृत्ति अज्ञान फलम तदिक्षितम, विद्या फलम स्याद अस्तो निवृत्ति, असत से निवृत्ति प्रदान कर दे। असत्य माने शरीर, शरीर का संबंध संसार, इसे हमको उपराम कर दे, अगर उसी में प्रवृत्त किया तो अविद्या है। तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पड़ा भव कूपा, एक विद्या और दूसरा अविद्या, तेहिकर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, अविद्या जो है अत्यंत दुख का रूप है, जाबस जीव पड़ा भव कूपा, ये जीव जो है भवकूप में पड़ा हुआ है, बार बार जन्म मरण की गर्भवास योनियों में जा रहा है। और एक रचई जग गुण बस जाके, कौन, विद्या माया, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निजबलता के, लेकिन वो प्रभु प्रेरित है, भगवान प्रेरणा करके हृदय से सब कुछ कराएं, वो नया सृष्टि संरचना कर, जैसे कहा गया संस्कारा द्विज उच्चते वेदाध्यायित भवेद विप्र ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, जन्मना जायते शूद्र, संस्कारा द्विज उच्चते वेदाध्यायित भवेद विप्र ब्रह्म जानेति ब्राह्मण। तो ये चारों चीज, चार चीजें हैं, पहले जन्मना जायते शूद्र, जन्म कहाँ से हुआ, शूद्र का पैर से हुआ, कौन सा पैर, भगवान के चरण से, भगवान। तो इसीलिए जिस दिन जन्म हुआ, जन्म के साथ साधना की जागृति के साथ, तब हमारा आकार बनने लगे, स अंश और आकार। अभी हमारा आकार जो बन रहा है काम क्रोध लोभ मोह संसार वाला बन रहा है, 84 लाख योनियों वाला बन रहा है उधर, लेकिन जिस दिन से आप सदगुरु के संरक्षण में आए, साधना जागृत हो गए, नाम जपे श्रद्धा से, सेवा भाव करने लगे, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करने लगे, तो आपका एक संरचना स्वभाव होने लगेगी, एक नई सृष्टि होने लगेगी। तो इसी कहा गया एक रचई जग गुण बस जाके, जिसके वशीभूत संपूर्ण गुण है,
प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता, वो प्रभु की प्रेरणा ही होगी, प्रेरित होगा। तो यही चीज कहा गया, स अंश और आकार, स माने वो परमात्मा, अंश माने आंशिक, आकार अब बनने लगा धीरे धीरे। देखिए दो शब्द है, अहंकार जो शब्द है ना, अब हम थोड़ा सा लाइन सटेंगे, संस्काराद्विजुच्यते वेदाध्यायित भवेद विप्रह। बाहर कहते हैं वेद पढ़े वो ब्राह्मण है, तो वेदाध्यायित भवेद विप्रह मतलब वेद जो अविदित सत्ता है, वेद वह परमात्मा अगर आपकी आत्मा से रथी है, जैसे धर्मे वेदा प्रतिष्ठित आया है कि धर्म में वेद प्रतिष्ठित है, जो अविदित सत्ता है वह विदित करा देता है, और जब वह विदित हो गया, भगवान कुछ बताने सुनने लगे, परमात्मा हमारे अंग स्पंदन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा निर्देशित करने लगे, और उसी को मैं अध्ययन करते हुए चलने लगे, तब वेदाध्यायित भवेद विप्र, वही विशेष प्रकार से प्रकृति पे जय प्राप्त। विप्र, विप्र माने होता है विजय, प्रमाणे प्रकृति, प्रकृति पे विजय प्राप्त करता है, वेदाध्यायित भवेद विप्र। ब्रह्म जाने तिथि ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लिया, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जो ब्रह्म को जान लिया वो ब्राह्मण हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने, पहने जनेऊ बिचारी, जनेऊ नौ गुण साधक सबगुण सो पहरे ब्रह्मचारी। ये मैं कभी भजन सुनाऊंगा आप लोगों को, ये कि कबीर साहब इसी को वर्ण पे क्या बोले हैं, उन्होंने कहा सदगुरु चारों वर्ण बिचारी, सदगुरु के क्षेत्र में चारों वर्ण। भगवान कृष्ण भी कहा चातुर्वर्ण मया सृष्टम, अर्जुन ने कहा था ना शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ मुझे साधिए संभालिए। तो इसी प्रकार से सदगुरु के क्षेत्र की बात है ये वर्ण चारों, और चारों वर्ण शरीर से नहीं, पिंड से नहीं होता है, चारों वर्ण ये साधना का सोपान है क्रमशः, इसीलिए कहा गया है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश आएगी। रावण थोड़ा थोड़ा से खून इकट्ठा किया था, मालूम है आपको, वही खून एक दिन सीता के रूप में, वही सीता एक दिन रावण के विनाश का कगार पे पहुंचा दी और मुक्ति मिल गई, रावण का पूरा परिवार मुक्त हो गया भगवान राम से। तो यही शक्ति लेना है, संतों की सेवा करोगे तो वही आपको शक्ति मिलेगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तब जाके सफाई कम से कम इसी बहाने का प्रमाण जो बच्चों में उत्साह बना, परमात्मा की लगाए वहाँ पे उनके आदेश का पालन, अधिकतम सीमा प्रभु जहाँ से रिले कर रहा था मूल का स्पर्श और इसलिए ज्ञान एक प्रत्यक्ष दर्शन सृष्टि में ज्ञान अज्ञान अनंत सीमाएं हैं। वो एक जीवन यापन के तौर पर 3:30 बजे लगभग मुंबई एयरपोर्ट के संस्कृति का जीवन यापन सूक्ष्म चींटी मर गई, 9 लाख स्वामी जी की बाड़ी है, अमृत बाड़ी है जो बज रहा है, रजवाड़ों द्वारा बनाया हुआ राजा लोग, तो इसके बारे में बताओ। और राजा लोग थे, ये पानी अब ये जो पूरा इधर अपने ही तरफ से इसमें गुरु जी का पंडित बनवाया हूँ, था बिल्कुल मन भी हमारा नहीं हो रहा था कुछ करने का, आने का नाइट में हम यही सोते, नाइट में यही यहीं पर बैठते हैं, कमर दर्द करने लगता है तो कुर्सी बैठ लेते हैं, इसी में बैठते हैं लखनऊ से। तो गुरु दरे शायद हमको रहने के ठिकाना मिल जाए, रोटी मिल जाए, भोजन मिल जाए, सत्संग प्रवचन मिले, तो इधर थोड़ा तो अब यहाँ के लोग कहते हैं ना चिराग परिवार भी इसीलिए हुआ था कि परिवार में भी थोड़ा परिवार वालों के लिए इतना बना नहीं है निर्माण, हाँ अभी जैसे कि अभी तो उतने ज्यादा है नहीं, पहले थे एक और भी महात्मा है, अभी भी है वहाँ बुढ़े हैं, उनको
होती है।